हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। एसबीआई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। एसबीआई क्लर्क ने कुछ एडमिट कार्ड्स आउट किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं हुआ था, तो उन स्टूडेंट्स का 9 जून को एग्जाम होगा, उसके एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं। तो हमें ये चीज तो कन्फर्म हो जाती है कि एक्चुअल में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका एग्जाम नहीं हुआ, जो पहले बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी कि शायद कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, शायद सभी का एग्जाम हो गया है। तो अभी है कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब आ सकता है। सबसे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको गाइटली का कोई भी पैक या टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज कर सकते हैं, इससे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब आ सकता है। तो जैसे कि पहले भी सब बता रहे थे कि एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट है वो इलेक्शन के बाद आ जाएगा, तो इलेक्शन के एकदम बाद पर रिजल्ट आपका नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एसबीआई का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिले हो चुका है। अप्रैल में रिजल्ट आना था लेकिन इलेक्शन की वजह से जून तक बात आ गई है, और अभी एग्जाम भी पड़ा है स्टूडेंट्स का। तो एसबीआई वाले ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट दे दें। तो मेरे हिसाब से जो आपका मेंस का रिजल्ट है वो 17 जून से लेके 25 जून के बीच में कभी भी आ सकता है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 25 जून मैक्स टाइम है, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप क्या सोचते हो रिजल्ट कब आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।